यूपी के रामपुर में 3 माह पहले रेलवे लाइन पर मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। जानकारी के अनुसार हत्या अवैध संबंधों को लेकर की गई थी। हत्यारा बरेली का इंजीनियर निकला, जिसके मृतक की पत्नी से अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। इंजीनियर की प्रेमिका ब्यूटी पार्लर चलाती है। पुलिस ने इंजीनियर और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का यह मामला शहजाद नगर थाना क्षेत्र का है। 25 अगस्त की सुबह पुलिस को रेलवे लाइन के पास से एक व्यक्ति का शव बरामद किया था। बाद में उसकी पहचान सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के रामलाल कॉलोनी पनवाड़िया निवासी डालेश्वर के रूप में हुई थी। डालेश्वर सुनार की दुकान पर कारीगर था। उसके भाई जसपाल सिंह ने हत्या का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। शहजाद नगर थाना प्रभारी परवेज कुमार चौहान ने बताया कि हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हत्या में मृतक की पत्नी ममता भी शामिल है। प्रेस वार्ता बुलाइए। 24/25 अगस्त की रात एक व्यक्ति का शव रेलवे पटरी पर मिला था, थाना शाहजहाँपुर क्षेत्र। पुलिस ने उसका पंचायत तमाम पोस्टमार्टम कराया था। उसके गले पे जिस तरह की इंजरी थी, उससे डाउट था कि ये आत्महत्या या दुर्घटना न हो करके हत्या जैसा लग रहा, क्योंकि गले पर एक शार्प इंजरी वेपन के निशान थे। उस आधार पर पुलिस ने 302 में FIR दर्ज की थी। मुकदमा मृतक के भाई ने लिखाया था। घटना बनाम अज्ञात थी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया गया तो संदेह की सुई मृतक की पत्नी और उसके किसी से संबंधित किसी व्यक्ति के होने की हुई। इस आधार पर जब तथ्य पुख्ता हो गए कि कोई एक व्यक्ति है जिसका उससे संबंध है, जान पहचान प्रगाढ़ है, इस आधार पर पुलिस उसे तलाशने लगी। अंततः वह व्यक्ति सुरेंद्र नाम का है, रहने वाला बरेली का है। वो पकड़ा गया, जिसने सारी घटना कबूल की, हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद करवाया। और तब ये पता चला कि 2013 में रेडिको खेतान में नौकरी करने आया था। उस समय मृतक के मकान में किराएदार के रूप में रहा, जहां इसके संबंध उसकी पत्नी से हो गए। इसकी जानकारी होने पर उसने कमरा खाली करा दिया, फिर भी यहां रहने लगा। बाद में ये फिरोजाबाद चला गया, वहाँ से भी उसकी पत्नी के संपर्क में भी था और उसका पति भी जानता था कि पत्नी अभी भी संपर्क में है, लेकिन अब वो उसे ब्लैकमेल करने लगा था। मृतक अपने पत्नी के प्रेमी को ब्लैकमेल करने लगा था, लिहाजा दोनों ने षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या कर दी और शव को पटरी पर डाल दिया था, जिससे कि लोग ये समझें कि ये सुसाइडल या एक्सीडेंटल केस है। शहजाद नगर पुलिस ने बड़े पुख्ता सबूतों के साथ इस घटना का अनावरण किया है। घटना को अंजाम देने वाले प्रेमी और मृतक की पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कतल चाकू बरामद हो गया है। शेष विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करके माननीय न्यायालय को रिपोर्ट अधिसूचित कर दिया। सर, इनका आपराधिक इतिहास है? अब इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, ये हत्या वस्तुतः प्रेम प्रसंग में है, न कि कोई आपराधिक इतिहास के नाते। फिर भी बरेली से उस व्यक्ति की आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इनका प्रेम प्रसंग वाली टीम को कोई पुरस्कार? खुलासा करने वाली टीम के पुरस्कार के लिए मैं उसे इनका अवैध संबंध कब से चल रहा था? ये 2013 में नौकरी करने आया था, उनके मकान में किराएदार हुआ, उसी के बाद से इनके संबंध ठीक। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।